होकर महमूद साहब, आप अकेले अकेले किससे बातें कर रहे हैं? बर्तनों से। क्या क्या बात है, तुम किचन में क्यों आई हो? क्या मतलब है क्यों आई हूँ, मेरा नाश्ता दे जल्दी से। अरे तुमने अभी कॉफी पी तो थी। लेकिन नाश्ता तो नहीं किया ना महमूद साहब। अच्छा जाओ भाई, बना के ला रहा हूँ। आपने सुबह बच्चों को नाश्ता करवा के स्कूल छोड़ा था ना? हाँ। और उनका लंच बॉक्स भी बना दिया था। अरे हाँ ना यार, बना दिया था भाई। महमूद साहब आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप ही का आइडिया था कि घर का हर फर्द बारी बारी एक एक दिन काम करेगा सारा। इससे किसी पे बोझ भी नहीं पड़ेगा और पूरा पूरा दिन हर इंसान को रेस्ट भी करने को मिलेगा। अरे खाक, रेस्ट करने को मिलेगा? 3 दिन पहले तुम्हारी माँ की बारी थी, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसका काम भी मुझे करना पड़ा। तो जाहिर है महमूद साहब आपकी बीवी है, उनकी जगह काम आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब परसों जब तुम्हारा मियाँ घर पे नहीं था, उसका भी सारा काम मुझे करना पड़ा था। तो महमूद साहब वो आपका बेटा है और बाप होने के नाते आपने उसके हिस्से के काम करने हैं ना। जब तुम अपनी सहेली की तरफ गई हुई थी, अरे वो भी तो सारा काम मुझे ही करना पड़ा था। तो कोई एहसान तो नहीं किया मेरे ऊपर आपने? भाई जब आप अपनी बीवी और बेटे का काम कर सकते हैं तो मैं तो आपकी बहू हूँ यार। बहुत अच्छे। अच्छा चले ना, जल्दी से मेरा नाश्ता दे, मुझे आराम करना है पूरा दिन। वो जो तुम आज भी करोगी वो आराम होगा। हाँ जी। अच्छा जी। ओ यार महमूद साहब, मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए। तुमने कहाँ कहीं जाना है जो तुम्हारे कपड़े इस्त्री करूँ मैं? क्या मतलब इसका भाई, मैं जाऊँ ना जाऊँ मेरी मर्जी, लेकिन मैं घर में भी रहूँ तो कपड़े तो इस्त्री करके पहनता हूँ ना। 10 मिनट के अंदर मुझे कपड़े इस्त्री चाहिए। ऑलराइट। ना आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। अच्छा जब रो लेना तो वहाँ लाउंज की आपने डस्टिंग करनी है और सीढ़ियों पे बाहर टाकी लगानी है, समझे? चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। क्या माँ जी? मीठा। ओए मीठा नहीं, वो जो सही तरह नहीं गलता ना वो। ठीक। कच्चा। हाँ आलू तो कच्चे हैं पुत्र। ओह यार मैं हूँ साहब से कोई काम भी ढंग से नहीं होता। हाँ ना, रोटियाँ देखो टेढ़ी बनाई हैं। ओए होए, अब ये कच्चा आलू खा के मेरी तबीयत खराब हो जानी है, तो फिर मेरे हिस्से का काम कौन करेगा? किसने करना है माँ जी? महमूद साहब ने करना है, और किसने करना है? नहीं 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 नहीं, मामा मामा ये गली हुई है, तुम ये खा लो। यार महमूद साहब आपको क्या हो गया यार, कोई काम भी आपसे ढंग से नहीं होता, खाना तक नहीं ठीक बनाया आपने। यार नबील मैं थक गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ यार, खुदा के लिए कोई मासी रख लो। बूढ़े हो गए लेकिन फरमाइशें देखे जरा। यार बस कर दे महमूद साहब, अय्याशियां बस कर दे, मेरे पापा जी के पास इतना हराम का पैसा नहीं है कि आपकी अय्याशियों के लिए मासियां रखे। कहाँ बैठ रहे महमूद साहब? कुर्सी पे। हाँ मगर क्यों? यार मैं भी तो कुछ खाना वाना खा लूँ ना। महमूद साहब खाना खाने से पहले जरा हमें रात के खाने का सामान तो ले आए, फिर धरने शुरू हो जाएंगे और सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी, फिर हमें खाना नहीं मिलेगा। हाँ चले यार, मुँह क्या देख रहे हैं, जाए साहब और जाए जाए प्लीज जाए यार, जाए जाए जाए, जाओ थोड़ा सा पानी डालो। आलू ना खाना कच्चे। उस्ताद हम यहाँ इतनी गर्मी में खड़े क्या कर रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं। किसका? गर्मी कम होने का है? अबे हम यहाँ पर किडनैपिंग करने के लिए आए। यहाँ किसको किडनैप करेंगे उस्ताद? यहाँ पे तो कोई कुत्ता और बिल्ली भी नजर नहीं आ रहा। अबे मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक वो करोड़पति अंकल रोज तपती दोपहर में निकलता वॉक करने के लिए। लेकिन उस्ताद वो इतनी गर्मी में वॉक क्यों करता है? अबे वो बुड्ढा बहुत चला गया, उसे पता है कि इतनी गर्मी में उसे किडनैप करने के लिए कौन आएगा, लेकिन हम उससे भी ज्यादा चला गए। वाह उस्ताद वाह, शेर पे सवा शेर। लेकिन ये बताओ उस्ताद, वो बुड्ढा दिखने में कैसा है? बूढ़ा है। और उसकी जवानी की उम्र निकल चुकी है। अच्छा, और देखने में बुजुर्ग लगता है। यार उस्ताद ऐसे आदमी को ढूंढेंगे कैसे? मैं भी थोड़ी देर में नजर आ जाएगा, तू देखता जा। बल्कि एक काम करते हैं, वो सामने वाली गली में आ जा, वहाँ चल के इंतजार करते हैं। आ जा। अच्छा ठीक है।
चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा कोई उस्ताद जब ये थककर बेहोश रहेगा तो क्या हम तबे से किडनैप करेंगे? नहीं तो फिर क्या इसके घर जाके किडनैप करेंगे? अबे नहीं साले तो उस्ताद फिर हमें से किडनैप क्यों नहीं कर रहा है? रुमाल निकाल। ना करिए क्या उस्ताद? हमें ऐसे बेहोश करना है, रुमाल निकाल। उस्ताद इसका रुमाल निकालने से क्या ये बेहोश हो जाएगा? क्या इसकी जान इसके रुमाल में है? अबे साले अपना रुमाल निकाल। उस्ताद मेरे पास तो खुद रुमाल ही है, मैं तो खुद तीन से साफ करता हूँ। अबे तेरी तो ऐसी की तैसी। क्या हुआ उस्ताद? अबे मुझे लगता है मुझे अपना ही बगैर धुलावा मौजा निकालना पड़ेगा। एक मिनट एक उस्ताद, एक मिनट, पहले मैं अपनी नाक पे हाथ रख लो कहीं मैं यही ना बेहोश हो जाऊं। अब निकालो चलो। नबील महमूद साहब नहीं अभी तक आया है? तो महमूद साहब ने आ जाना था पुत्र। माँ जी मैं आपके शौहर महमूद साहब की बात कर रही हूँ यार। ओ जानू आ जाएंगे, यहीं कहीं धक्के खा रहे होंगे यार, तुम फिक्र क्यों करती हो? नबील उन्हें गए हुए बहुत देर हो गई है भाई, सौदा तो पिछली गली वाले स्टोर से मिल जाता है। ओ यार महमूद साहब की उम्र भी तो अब बहुत हो गई ना, ऊपर से मुंह बहुत बड़ा है उनका, कहीं थक के बैठ गए होंगे थोड़ी देर के लिए। ना तो तू ऐसे घबरा क्यों रही है जैसे उनको किसी ने किडनैप कर लिया है? नहीं माँ। माँ जी उस्ताद ये तो बहुत ही भारी है। हाँ यार चल मुंह खोल। तुम इसे टॉफी खिलाओगे उस्ताद? अबे इसका मुंह खोल। तू क्या तुम इसे टॉफी खिलाओगे? मेरा मतलब ये है कि इसके मुंह से कपड़ा उतार। अच्छा उस्ताद। क्या हुआ उस्ताद? किडनैप हमने इसे किया या इसने हमें किडनैप किया है? अबे हमने किया है। तो फिर तुम क्यों चीख रहे हो उस्ताद? अबे साले वो इसलिए कि हम गलत आदमी को उठा के ले आए। ये गलत आदमी है उस्ताद? क्या ये गलत काम करता है? अबे हमने इसको किडनैप नहीं करना था, वो कोई दूसरा बंदा था यार। क्या तो क्या आप इसे वापस छोड़ के आएंगे? अबे ये तो फकीर आदमी है, इससे क्या मिलेगा हमें? उस्ताद चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस भारी आदमी को वापस नहीं लेके जाऊंगा उस्ताद। अबे तो इसको यहाँ रख के क्या करेंगे? मैं क्या बताऊं उस्ताद, इससे खुद पूछ लेते कि अब हम क्या करें। हेलो हेलो अबे ये बताओ कि हम अब तेरे साथ क्या करें? अब सबसे पहले मुझे कुछ खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अबे तुमने सुबह से खुद कुछ नहीं खाया, अब तुझे कहाँ से खिलाएं? देखो अगर मैं भूख से मर गया ना तो तुम दोनों कत्ल के इल्जाम में ना फांसी चढ़ जाओगे। क्या अबे तेरे पास बिस्किट पड़े हैं क्या? नहीं उस्ताद, वो तो मैं रात को ना पानी के साथ खा गया था। ओए हाय तो इसे अब खाना कहाँ से खिलाएंगे? उस्ताद एक काम करते हैं, इसके घर वालों को फोन करते हैं कि इसके लिए खाना तैयार करके यहाँ पे लेके आए। हैं? फोन बंद है। ओ, फोन खोल के उनको कॉल लगाना। ओ माँ जी महमूद साहब का फोन बंद है यार। क्या? हाँ हाय मैंने तो पहले ही कहा था ना मेरा मियाँ किडनैप हो गया। हाँ नबील वरना महमूद साहब का फोन बंद क्यों होता? ओ यार जानू क्या हो गया तुम्हें, महमूद साहब को नहीं जानती हो? कितने बड़े हड हराम है वो, कहीं फोन को खुद ऑफ किया होगा, पार्क में सो रहे होंगे। वो पार्क में क्यों सोएंगे, उन्हें जरूर किसी ने किडनैप किया। ओ माँ जी आपको क्या हो गया, महमूद साहब को कौन किडनैप करेगा? उनका जाती मुंह आपने देखा है, ऐसे लगता है चंदा मांगने वाला हो। तो फिर उनका फोन क्यों बंद है नबील? जानू ये भी तो हो सकता है महमूद साहब का फोन गन पॉइंट पे छिन गया हो। ओए तो जाके ढूंढ फिर उनका फोन। नहीं महमूद साहब को। अच्छा ढूंढता हूँ यार, तुम लोग छुट्टी वाले दिन भी मुझसे काम कराते हो। ढूंढ रहा हूँ मैं, ढूंढ रहा हूँ। माँ जी आप फिक्र ना करें, आ जाएंगे महमूद साहब। क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है? अगर तुम दोनों ने मुझे खाना नहीं खिलाया तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। अच्छा उस्ताद इसे खुद ही मरने दो, हमारी जान छूट जाएगी। अरे कैसे जान छूटेगी, अरे मेरी मौत का इल्जाम तुम दोनों पर आएगा और तुम दोनों फांसी लटक जाओगे। उस्ताद ये तो हमें फांसी दिलाने पे तुला हुआ है। ओए खाना खिलाते हो या मैं कूदूं यहाँ? एक मिनट एक मिनट, ओए तेरे पास कुछ पैसे हैं? 200 रुपए उस्ताद। हाँ
200 रुपए मेरे पास है। तो चले फिर उस्ताद, दोनों खाना खा के आते हैं। अबे अपनी छोड़, इस साले को खाना खिला दे। उस्ताद तुम्हें मुझसे ज्यादा इसकी फिक्र है, मैं तुम्हारे साथ पिछले 5 सालों से हूँ। अबे मेरे बाप, अगर ये साला मर गया तो हम दोनों फंस जाएंगे यार। अच्छा फिर ठीक है उस्ताद। हाँ जा, इसके लिए जाके बिरयानी लेकर आ। सुनो, रायता भी और एक प्लेट जर्दा भी। अबे क्या दावत में आया? ओ यार ये 400 रुपए पकड़, इसके लिए कुछ लेकर आ जा। एक मिनट रुक रुक रुक, पहले इसे कुर्सी पे बिठा और इसे बांध दे ताकि ये हिल ना सके। ये ठीक है उस्ताद। ओए ओए ओए, एक मिनट, मुझे हाथ मत लगा रहा। चलो मैं खुद बांधूंगा। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, रस्सी लेकर आओ जाके। जा मोटी रस्सी लेके आ। ठीक है उस्ताद। महमूद साहब कहाँ ढूंढू मैं आपको यार। महमूद साहब, री 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 रो 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 रो। हेलो महमूद साहब मिले? अरे नहीं जानू, 2 घंटे से ख्वार हो रहा हूँ जानू, सड़कों में गलियों में सारे अस्पताल छान मारे हैं, कहीं नहीं मिले जानू, कहीं नहीं मिले। भाई साहब लाइटर मिलेगा? लाइटर? आओ जानू तो फोन रखो, मैं जरा मुर्दा खाने में चेक करता हूँ। ओके जानू। अबे तेरी उम्र है, तेरी उम्र है, सिगरेट पीने की, चल चल भाग यहाँ से। सिगरेट पीने की उम्र देखो इसकी, बच्चे की, घर से कॉलेज जाते हैं भाग के इधर आ जाते हैं। महमूद साहब मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढूंगा। री 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 रू 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 रू। यार कुछ खाने के लिए होना चाहिए। उस्ताद ये जिस तरह मुझे देख रहा है ना, लग रहा है कि बगैर काटे ही निकल लेगा। अरे मैं तुझे नहीं बिरयानी को देख रहा हूँ। ये देखा। अबे खा ना, अब खा क्यों नहीं ना। अबे इसके हाथ खोलेगा तो खाएगा ना। अरे हाँ उस्ताद। नहीं 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 नहीं। क्या नहीं? मेरे हाथ मत खोलना। तो खाना क्या पैरों से खाएगा? अरे मैं मेहमान हूँ तुम लोगों का यार, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ। हैं? उस्ताद हमने इसे किडनैप किया या गोद लिया हुआ? अरे खिलाते हो या मैं मचाऊं शोर? अबे खिला रहे खिला रहे। ओए यार खिला दे इसे अपने हाथ से यार। लेकिन उस्ताद पहले तुम खिलाओ। गले में पड़ रही है, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं लेकर आए? आप कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आ रहे हैं, मंगा रहे हैं? अबे बिरयानी तो बड़ी टाइट है, कहाँ से लाया? खुशबू बड़ी टाइट आ रही है। अरे बंजर, खबरदार अगर तूने नियत लगाई मेरी बिरयानी पे तो खिला 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 खिला। मचाओ नहीं नहीं नहीं, ये ले मेरे बाप, ये ले, खिला रहा हूँ खिला रहा हूँ उस्ताद, ये ले ये खा। बे ये क्या चीज अपने मत्थे मार ली हमने? हाँ उस्ताद, ये साला तो हमें अपनी बीवियां समझ की खिदमत करवा रहे। एक काम कर, ये अभी सो रहा है, इसे कुर्सी समेत बिल्डिंग से नीचे धक्का दे दो उस्ताद। अबे नहीं बे नहीं, जा जाके ना इसके हाथ खोल दे। लेकिन उस्ताद मेरे पास तो स्क्रू ड्राइवर है ही नहीं। इसके हाथ से रस्सी खोल दे। क्यों उस्ताद? ताकि जब ये नींद से उठे और हमें यहाँ ना देखे तो खुद ही भाग जाए। उस्ताद ये हमें क्यों नहीं देखेगा? क्या हम इसके हाथ खोल के आंखों पे पट्टी बांध देंगे? जितना बोला जा रहा ना उतना कस साले। ठीक है उस्ताद। चल अब हम दोनों ना छुप जाते हैं, फिर ये हमें ढूंढेगा। अबे हम इसके साथ छुपन छुपाई नहीं खेल रहे। तो फिर हम क्यों छुप रहे हैं उस्ताद? अबे हम इसे छुप कर देखेंगे ना, ताकि ये यहाँ से भाग जाए। ठीक है उस्ताद, आओ उस दीवार के पीछे छुप जाते हैं। हाँ हाँ चल चल आजा। किसी की आंख पुकारे करे इशारे, दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे चलता जा रे। चिकने चिकने चेहरे भैया। उस्ताद ये उठे ना उठे, लेकिन मैं सो जाऊंगा। मैं बकवास बंद कर और चुप 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 चुप, आगे खोल रहा, आगे खोल रहा, आगे खोल रहा। चलता जा कोई आए जाए, चलता जा और बबल फुलाए। चलता जा कोई आए जाए, चलता जा। मोहब्बत आग का दरिया और तू बबल। हाय मेरा
घर गवाद गया है मोमना। माँ जी नबील गया है महमूद साहब को ढूंढने, आप फिक्र ना करें, वो लेकर ही आएगा उन्हें। माँ जी मैंने महमूद साहब को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिले। नहीं। वो एक जगह रुके तो सही अगले डायलॉग के लिए। माँ जी हौसला करें, मिल जाएंगे महमूद साहब। नबील तुम बट साहब को फोन करके पता कराओ ना यार। ठीक है जानू, मैं अभी बट साहब को फोन करता हूँ। बेचारे महमूद साहब पता नहीं किस हाल में होंगे। हेलो ये भाई, ये देख हम पे रहम कर और चला जा यार, हम तेरी और खिदमत नहीं कर सकते। ये देख तेरे हाथ जोड़ते, तेरे पैर पड़ते, तू चला जा यहाँ से। भाई मैं कहाँ जाऊंगा? अरे अपने घर जाएगा और कहाँ जाएगा यार। नहीं मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। वो तो क्यों नहीं जाएगा अपने घर? नहीं, वो लोग मुझसे बहुत काम करवाते हैं, चार दिन से मुझे सुकून नहीं मिला, लेकिन जब से तुम लोग मुझे उठा कर यहाँ लाए हो ना, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। हाँ मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। नहीं हम तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर तू यहाँ से नहीं गया ना तो मोदी खुदकुशी कर लेगा। मैं क्यों खुदकुशी कर लूंगा? मैं कोई खुदकुशी वगैरह नहीं कर रहा, खुदकुशी हराम है और किडनैपिंग हलाल है, है? हमने किडनैपिंग की कहा है उस्ताद, ये तो सिर्फ वक्त जाया किया हमने। देख भाई बहुत हो गया, तू जाता है या हम तुझे जबरदस्ती तेरे घर छोड़कर आए। देखो देखो अगर तुम लोगों ने मुझ पर जबरदस्ती की ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगा और इल्जाम हमारे सर पे आएगा उस्ताद। ऐसी की तैसी डंडा उठा के मार सर पे। नहीं उस्ताद मैं तुम्हारे सर पे डंडा नहीं मार सकता। मैं मेरे नहीं इसके मार। ठीक है जल्दी कर। अरे नहीं, नहीं। चुप कर। नहीं जल्दी मार, जल्दी कर, इससे पहले कि ये होश में आ जाए इसे इसके घर छोड़ कर आते, जल्दी कर। ठीक है उस्ताद उठाओ। ओ यार बट साहब, मैंने महमूद साहब को हर जगह ढूंढा है यार, वो कहीं नहीं मिले। ओ यार जब तुम लोगों ने हर जगह ढूंढ ही लिया है तो मुझे क्यों बुलाया? बट साहब इसीलिए बुलाया ना कि आप महमूद साहब को ढूंढ कर लेकर आए। भाई मेरा ये काम नहीं है, मैं तो चोर और डाकू ढूंढ के ला सकता हूँ। ओ बट साहब थोड़ी सी मेहनत कर ले यार। यार एक सीन के लिए बुलाया, मैं नहीं कर रहा इतनी मेहनत। ओ बट साहब मेरा वादा अगले एपिसोड में 5-7 सीन लिखवा दूंगा यार। पक्का वादा है ना? आओ माँ जी आप तो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनना बंद करें ना यार। चलो फिर चलते थाने से मोबाइल लेते हैं और चल के महमूद साहब को ढूंढते हैं। चलें। आओ जी महमूद साहब आ गए, आ गए, आ गए महमूद साहब, आ गए, आ गए, आ गए महमूद साहब। जी महमूद साहब आ गए। आए नहीं है, हम इन्हें उठा के लेके आए। पुलिस मुस्तकीम, चल जल्दी से खिसक ले। अरे भाई ऐसे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम लोग महमूद साहब को ढूंढ के लाए हो, चाय और पी के जाओ। नहीं नहीं हम इन्हें ढूंढ के थोड़ी लेके आए, हमने तो इन्हें किडनैप किया था। क्या? अबे ये क्या कर दिया तूने? नहीं सिर्फ मैंने थोड़ी किडनैप किया, बल्कि मेरे उस्ताद ने भी साथ किडनैप किया। अबे ये पुलिस वाला है। ओ सॉरी उस्ताद, बंद हो गया, अब क्या करें? अबे करना क्या है, भाग यहां से। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं है। अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ, ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY ZAP अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY ZAP डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें arysap.com।